हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे टीजीटी हो, पीआरटी हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सभी में इसके दो तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा मैथ्स के सेक्शन का। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन के चार पार्ट होते हैं: पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, और एक टेबल फॉर्म में डाटा दिया होता है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट क्या होता है? देखो, पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में डेटा दिया होता है और उसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे मान लिया इसे एक दो तीन चार चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसी में ही दे देंगे। जैसे मान लिया सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, उसे परसेंटेज फॉर्म में दें या डिग्री फॉर्म में दें, वो हम आगे चीजें पढ़ेंगे। इसके हिसाब से हमें आंसर देने होते हैं जो डेटा दिया होता है इनमें। लाइन ग्राफ क्या होता है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मान लिया यहाँ पे ईयर्स दे दिए, ये 2001, ये 2, ये 3, ये 2004, और यहाँ पे क्या दे दिया, अर्निंग्स दे दी किसी की। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ये डेटा आ गया, यहाँ पे ये डेटा, 2002 में इतनी अर्निंग थी इसकी, यहाँ पे 2003 में इतनी अर्निंग आई, और ये 2004 में इतनी बढ़ गई। तो कुछ इस तरह का ये लाइन ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ सेम इसी का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बार्स लगे होते हैं। इसमें तो लाइन ग्राफ है, उसमें क्या लगे होते हैं, बार्स लगे होते हैं ऐसे करके। ठीक है, बार फॉर्म में डेटा दिया होता है, उसे हमें स्टडी करना होता है और आंसर देने होते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, टेबल दी हुई होती है। जैसे मान लिया ये कार ए और कार बी का डेटा दिया हुआ है, और ये ईयर्स दिया हुआ है, ये 2001, ये 2002, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए कि कार ए की जो बिक्री हुई वो 2000 की बिक्री हुई 2001 में, कार बी की 3000 हुई, अगले ईयर में 3000 हुई इसकी, और इसकी घट के 1500 रह गई। तो इस डेटा को स्टडी करते हुए हमें आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन इन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, चाहे वो SSC हो या DSSS हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बस पाई चार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को करेंगे हम, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो पाई चार्ट हमने समझ लिया। पाई चार्ट सर्कुलर फॉर्म में होता है, और हमें पता है सर्कल का पूरा एंगल जो होता है, ये हमें पता है सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, या फिर टोटल डाटा कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होती है, इसमें 360 डिग्री के बराबर होती है। 100% इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो या तो हमें डेटा परसेंटेज फॉर्म में देगा या फिर हमें डिग्री फॉर्म में देगा। हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि टोटल डेटा अगर डिग्री फॉर्म में है तो 360 डिग्री से कंपेयर करेंगे, पूरा डाटा अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो परसेंटेज यानी 100% से कंपेयर करके करेंगे। ऐसे ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा। अगर फ्रैक्शन बेस्ड है, फ्रैक्शन बेस को कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन बेस की पूरी वैल्यू रहती है 1। फ्रैक्शन की पूरी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 100% थी तो फ्रैक्शन की पूरी वैल्यू रहती है 1। फ्रैक्शन बेस को हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 100%। फ्रैक्शन वाले में बस इतना फर्क है। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब हम पहले टाइप पे आते हैं, परसेंटेज वाले पे। देखो टाइप 1 परसेंटेज में कैसे दिया होगा, देखो ये परसेंटेज ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है, विजिटिंग मॉल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेज दिए हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5। यहाँ पे फैमिली का डेटा दिया हुआ है परसेंटेज, कि कितनी फैमिली विजिट कर रही है पर डे ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक। ठीक है, इफ टोटल फैमिली इज बराबर 1000, टोटल फैमिली यानी इस पूरे का डेटा कितना है, 1000। ठीक है, क्या पूछा, सेंट्रल एंगल, या तो सेंट्रल एंगल पूछे या सेक्टोरल एंगल पूछे, बात सेम है। क्या पूछा है, फॉर D1, देखो D1 कौन सा है, D1 है ब्लू वाला, ये टोटल का कितना पार्ट है, ये 12% है, 12% है, और हमें पता है 100% की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो हमें परसेंटेज से एंगल कंपेयर करना है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू होगी 3.6 डिग्री। तो 12% की वैल्यू पूछी है हमें,
12% की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 3.6 डिग्री, यानी 12 × 6 = 72, 12 × 36 = 43, 43.2 डिग्री का हमारा क्या आ गया, सेंट्रल एंगल डी वन का। ठीक है, ऐसे ही अगर डी टू का पूछे तो उसका निकाल देंगे 20% की वैल्यू, हमें बस 1% की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम सारे निकाल देंगे, टोटल कितना हुआ ओवरऑल 100% या फिर 360 डिग्री। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे और हमारा एंगल निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन एंगल्स ऑफ सेक्टर डी वन एंड डी थ्री। देखो अगर डिफरेंस निकालना है तो हम सीधा परसेंटेज का डिफरेंस निकाल देंगे, और एंगल की तो हमें वैल्यू पता है 1% की, 3.6 डिग्री। ठीक है, हमें डिफरेंस किसका निकालना है, डी वन एंड डी थ्री, डी वन कौन सा ये, डी थ्री कौन सा ये, कितना डिफरेंस है दोनों में, 12 और 20 में कितना डिफरेंस है, 8% का। तो एंगल में कितना डिफरेंस होगा, 8 × 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री, यानी 8 × 6 = 48, 8 × 24 = 28, 28.8 डिग्री का डिफरेंस होगा डी वन और डी थ्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशियो ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी वन एंड डी टू टूगेदर। एक चीज देखो, हमें यहाँ पे टोटल फैमिलीज दी हुई है, अभी तक क्या हमें टोटल डेटा की जरूरत पड़ी, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हमें एंगल निकालना हो, अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो, तो हमें काफी हद तक इस डेटा की जरूरत नहीं होती, हम जो ये परसेंटेज दिया हुआ है या फिर कोई एंगल दिया हुआ हो, हम उसी के हिसाब से रेशो, उसी के हिसाब से एंगल्स, उसी के हिसाब से डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालनी हो ना तो मेन डेटा की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, या फिर रेशो निकालना हो तो नहीं पड़ती। ठीक है, तो रेशो फैमिलीज बताना है डी वन और डी टू टूगेदर। डी वन और डी टू में देखो कितनी परसेंटेज आ रही है, 15, 12, 27%, इतनी फैमिली आ रही है। टू नंबर ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी थ्री एंड डी फोर। डी थ्री और डी फोर पे कितनी आ रही है, 20 और 13, यानी 33%। तो दोनों का रेशो निकालना, तो रेशो लगा देंगे बीच में, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, 27 रेशो 33 को क्या बोलेंगे, 3 × 27 और 11 × 33। ठीक है दोस्तों, तो हमें डेटा की जरूरत नहीं है, हम परसेंटेज के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर परसेंटेज के हिसाब से हो जाते हैं, डेटा की जरूरत जब तक नहीं पड़ेगी हम डेटा को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ फैमिलीज। देखो अगर नंबर निकालना है हमें, नंबर, नंबर का मतलब होता है वैल्यू, तब हमें टोटल डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डी फोर में देखो कितना परसेंट ट्रेवल कर रहे हैं, डी फोर में कौन है, येलो, 13%, 13%, और टोटल फैमिली कितनी थी, 1000, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 1000, 1% की क्या हुई, 10, तो 13% की क्या हुई, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 130 फैमिली थी हमारे डी फोर में। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी टू इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी वन। क्या कह रहा है, डी टू में जो फैमिली अराइव कर रही थी, जो विजिट कर रही थी, कितने ज्यादा हैं उन फैमिली से जो डी वन में विजिट कर रही थी। ठीक है, देखो डी टू में कितने विजिट कर रही थी, 15%, हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमें मेन डेटा की जरूरत नहीं है। अब देखो डी वन में कितनी है, 12%, डी टू वाला डी वन से कितना ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कंपेरिजन 12 से करना है इसलिए 12 को नीचे लेंगे, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 3 × 12 और 25 × 100, डी टू में 25% ज्यादा फैमिली विजिट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी टू इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज विजिटिंग ऑन डी वन। देखो ये तो पूछा था कितने परसेंट ज्यादा है, अगर ये पूछे कितना परसेंट है तो कैसे निकालेंगे, डी टू में 15 है और डी वन में कितना है, 12, ये कितना परसेंट है, 15/12 × 100, यहाँ तो डिफरेंस लिया क्योंकि व्हाट परसेंट मोर पूछना था, यहाँ पे पूछना व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट है, तो 15/12 क्योंकि 12 से कंपेयर करना है, जहां पे ऑफ लगता है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ का मतलब वो नीचे आएगा। ठीक है, अब देखो काट लेंगे, ये हो गया 3 × 12, 3 × 5 = 15, ये हो गया 25 × 100, यानी कि 125% वैल्यू है। ठीक है, यानी डी टू जो है डी वन का 125% है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब तक हमें नंबर नहीं पूछा जाए, वैल्यू नहीं पूछी जाए, हम टोटल वैल्यू को इग्नोर करेंगे, हम ये परसेंटेज वाले डेटा से ही सारे आंसर निकाल देंगे, रेशो पूछा हो,
परसेंटेज पूछा हो तो मेन डेटा को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं टाइप टू पे। जब डिग्री में दिया हुआ हो, हमें पता है टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ये टोटल वैल्यू 360 डिग्री, क्या बता रहा है? मंथली एक्सपेंस ऑफ इनकम ऑफ फैमिली, जो इनकम है वो किस तरह से यूज हो रही है, ठीक है। डिग्री में दिया हुआ डेटा क्या पूछ रहा है? इफ फैमिली स्पेंड टोटल 3600 रुपये ऑन रेंट, देन टोटल इनकम। देखो इनकम क्या है, वैल्यू, इसका मतलब हमें डेटा का यूज करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, रेंट पे 3600 रुपये, रेंट क्या है, रेंट है रेड वाला, यानी 108 डिग्री। तो 108 डिग्री की वैल्यू क्या है? 3600 रुपये। हमें क्या निकालनी है? टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3600 × 360/108, ठीक है। 36 या 108, 36 × 360 किया गया, 12 × 36, यानी कितनी है टोटल इनकम? 12,000 रुपये, ठीक है। आ गया समझ में? हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे, बस कंपैरिजन आना चाहिए आपको, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे और इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है इसमें। इफ टोटल इनकम इज 72,000, टोटल इनकम यानी 360 डिग्री कितनी है? 72,000। फाइंड सेविंग्स, सेविंग्स कौन सी है? देखो सेविंग्स है ग्रे, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है हमें, कैसे निकालेंगे? 72,000/360 × 90, ठीक है। 9 × 36, 18 × 72, यानी सेविंग्स कितनी है? 18,000 रुपये, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे कि सेविंग्स जो है टोटल का कितना पोर्शन है, 90/360, 1/4 है सेविंग्स जो है। तो अगर इनकम 72,000 है तो 1/4 हो जाएगी सेविंग्स, तो 72,000 का सीधा 1/4 निकाल देते, यानी 18,000, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर विथ सेविंग। रेशियो बताना है, देखो अगर रेशियो बताना है तो हमें डेटा की जरूरत नहीं है। रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन फूड एंड रेंट टुगेदर, देखो फूड एंड रेंट कौन सा है? ब्लू और रेड। 72 और 108 कितने हो गए? 180, यानी 180 डिग्री वैल्यू हो गई इनकी। विद सेविंग, सेविंग कौन सा है? ग्रे, यानी 90 डिग्री। तो क्या रेशियो हो गया? काट लेंगे, 2:1, ठीक है। सिंपल लग रहे होंगे आपको, बिल्कुल पेपर में आप छोड़ देते होंगे, काफी बच्चे छोड़ देते हैं डीआई को, ठीक है। लेकिन हम आगे नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही हम सारा डीआई खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंस ऑन फूड इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग्स। देखो फूड कहाँ है? फूड है हमारा ब्लू, 72 डिग्री। व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स कितनी है हमारी? ग्रे। तो ये 72 डिग्री 90 डिग्री का कितना परसेंट है? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, ये काट लिया, 0,0, 9, 72, यानी 80%, ठीक है, 80%। आ गया समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ रहे हैं। जो पीजीटी वाले एग्जाम के सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, उसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हैं हम, और क्या लगाते हैं? यूनिट डिजिट। इन्हीं से ही ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम टाइप थ्री। देखो टाइप थ्री का मैंने बताया, जैसे 0.32 दिया है, तो 0.32 का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई, यानी 32%। इसका मतलब क्या है? 15%। इसका मतलब क्या है? 18%। इसका मतलब 10%। इसका मतलब क्या है? 25%। और ये टोटल मिला के क्या होगा? 100%। और हमें परसेंटेज वैल्यू जब समझ में आ गई तो जो पहले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं देखो डबल पाई चार्ट। अभी तक तो हम सिंगल पाई चार्ट देख रहे थे, अब आता है डबल पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो डबल पाई चार्ट क्या है, ये दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और उन स्टूडेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है दिखा रहा है। तो 3000 स्टूडेंट है टोटल, 24% किसमें? डांस में, 25% ड्रॉइंग में, 16% क्राफ्ट में, 21% सिंगिंग में, और ये स्विमिंग में 14%, ठीक है। इधर दिखा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स दी हुई है डांस में 20%, 28%, 14%, 16%, 22%। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? इन दोनों से रिलेट करके नंबर ऑफ बॉयज निकालने को बोल देगा। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे? टोटल में से परसेंटेज निकाल के और गर्ल्स को घटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन ड्रॉइंग। देखो ड्रॉइंग में कितने बॉयज एनरोल्ड है, तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। ड्रॉइंग कौन सा है? रेड वाला। तो 25% ऑफ 3000, जब
परसेंट निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 25 थी 75, यानी 750 लोग हो गए टोटल। गर्ल्स कितनी है इसका? 28%, यानी 28 × 17 बचा, क्योंकि 2 जीरो तो कट जाएंगे परसेंटेज निकालने में। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो 17 थी 51, 510 माइनस 17 दूनी 34, 28 को 30 - 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही कर लेंगे कैलकुलेशन को आसान। 10 गए, ये 500 बचे, 24 गए, तो 476, 476 तो लड़कियां हो गई, और टोटल थे इतने, घटा दो 10 में से 6 गए 4, 14 में से 7 गए 7, और 6 में 4 गए 2, यानी टोटल बॉयज कितने थे? 274। ठीक है, ड्राइंग में इतने बच्चे थे, आ गया समझ में? टोटल निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल ली, माइनस कर दिया टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज आ गए। अब क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग विद नंबर ऑफ बॉयज इन डांस। देखो इसमें क्या है ना, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब सिंगल पाई चार्ट कर रहे थे, जब रेशियो निकाल रहे थे, तो हम डायरेक्ट परसेंटेज से कंपेयर कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या है ना, हमें बॉयज का डेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं बॉयज का डेटा। अगर दिया हुआ तो बॉयज का डेटा, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज से कंपेयर कर लेते, तो इसमें निकालना पड़ेगा। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग विद नंबर ऑफ बॉयज इन डांस, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने स्विमिंग में? ब्लू वाला 17 का 22%, यानी 17 × 22, 17 × 34, 17 × 34 और 3 = 37, 374 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं डांस में? डांस में देखो टोटल कितने हैं, 24 थी 72, 24% निकालेंगे 3000 का, 720 टोटल है, 720 टोटल है। लड़कियां कितनी है इसमें डांस में? 17 × 34, यानी 340, 340 लड़कियां हैं, माइनस कर दो 0, 12 में 4 गए 8, 6 में 3 गए 3, तो 380 लड़के हैं। उसका रेशियो किससे बताना? लड़कियों के साथ 374। ठीक है, काट लेंगे 190, ये 18 और 2 × 7 = 14, ये रेशियो आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ी हुई है डबल पाई चार्ट में, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछते हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं, पर ठीक है कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं पाई चार्ट का किसी और के साथ, वो हम किस में करेंगे? जो पीजीटी के हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं या पीआरटी के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो उसमें जब आएंगे तो हम कर लेंगे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। देखो अगर गर्ल्स पूछी हैं, गर्ल्स का तो डेटा हमें पता है, तो क्राफ्ट और किस में? स्विमिंग में टुगेदर। क्राफ्ट में कितनी है? 14%, स्विमिंग में कितनी है? 20%, यानी टोटल कितनी? 34%, 34% किसका? 1700 का, निकाल देंगे 1700 का 34%, तो 0 तो कट जाएंगे, यानी 17 × 34 निकालना है हमें, कितना हो गया? 17 × 68, 17 थी 51 और 6 57, यानी टोटल 578 लड़कियां थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इन सिंगिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन डांस। देखो सिंगिंग कहाँ पे हमारा, सिंगिंग है येलो वाला, तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे, 21 थी 63, 630 टोटल है, तो लड़के कितने हुए? लड़के घटा देंगे, 16% लड़कियां हैं, तो 16 × 17 निकालेंगे, 17 × 102, 17 × 17 = 27, 272 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए? घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 2 गए 3, तो 358 लड़के हो गए। उसके बाद डांस में निकालना है हमें, देखो डांस में कितने हैं, 24 थी 72, 720 टोटल थे, और लड़के लड़कियां कितनी हैं? 17 × 34, 340 लड़कियां हैं, लड़के कितने हुए? 0, 8, 6 में से 3 गए 3, तो 380 ये थे। पूछा क्या हमें? नंबर ऑफ बॉयज इन सिंगिंग इज व्हाट परसेंट, सिंगिंग में कितने? 358, तो 358 380 का कितना परसेंट है ये पूछा हमें। ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा 19 × 2 = 38, और ये 17 × 34, 2 × 18, यानी 1790/19, 19 निम्मा कितना हो गया? 171, 8 बचा, 19 × 76, 4 बचा, 19 × 38, 94.2 के आसपास। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस कैलकुलेशन वाला था, सिंगल पाई चार्ट वाले आसान क्वेश्चन है, डबल पाई चार्ट वाले थोड़े टफ बैठते हैं, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपके सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी पाई चार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं हम पीजीटी और पीआरटी की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें कवर हो जाएंगे,
जो प्रीवियस ईयर वाली कवर कर रहा है ना उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए अपने, और बेसिक आपका क्लियर है तो आपके सवाल भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, उसके बाद टेबुलर वाला। मोस्टली तो पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। जो TGT और PRT वाले एस्पिरेंट्स हैं जिनके आने वाले दिनों में एग्जाम है, उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। और अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। आपको अगर कुछ क्वेरी है तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज भी करेंगे तो रिप्लाई देंगे हम आपका, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।